गुड आफ्टरनून पिला माने वेलकम टू वर्चुअल स्टूडियो सुंदरगढ़। आज प्रसंग हूँ तुम अष्टम श्रेणी विज्ञान पुस्तक अष्टादश अध्याय वायु एवं जल प्रदूषण। आम वर्तमान शुणुचे जे परिवेश आग भली नाही। वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने कही थांती आग काल रे बा अतीत रे से माने नीलो आकाश एवं मुक्त वायु निर्मल जल से माने पाउथिले। ए भली निर्मल आकाश मुक्त वायु निर्मल जल आजिकाली आमे माने पाई पारु नांती। प्रत्येक दिन टेलीविजन एवं खबर कागज रु तुम्हें माने जानिया पाई पाउथबो दिन पर दिन परिवेश रे आमरो मान ह्रास घटुची। जल एवं वायु रो मान ह्रास होउची। आशंका करा जाउची कि भविष्य रे आमरो परवर्ती पीढ़ी पाई आमको विशुद्ध पानीय जल एवं विशुद्ध वायु मिलिबो ना नाही आजिकाली आम मानक मनरे आशंका सृष्टि कलाणी। एही परिवेश रे घटुथवा परिवर्तन जोगु अनेक लोक श्वास रोग रे पीड़ित होउछंती। श्वास जनित समस्या से माने भोगुछंती एवं से माने विभिन्न रोग रे मध्य पीड़ित होउछंती। आमे यही प्रसंग रे आमे सही भली परिवेश रे घटुथवा परिवर्तन तार कारण प्रभाव ए विषय रे आमे पढ़िबा। चलो पिला पिला माने आमे वर्तमान जीवा आमरो सही वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण विषय रे सम्यक आमे जानिबा। पिला माने आमे खाद्य भाव रे किछि दिन बंची पारिबा किंतु वायु भाव रे आमे बंची पारिबा नाही। आम पई वायु एते गुरुत्वपूर्ण आमे सहज रे अनुमान करि पारिबा। आमे वायु प्रदूषण पढ़िया पूर्वरु वायु विषय रे किछि सम्यक जानिबा। वायु विभिन्न गैस रो एक मिश्रण। वायु रे प्राय साधारणतः शतकड़ा 78 भाग जवक्षाजान एवं शतकड़ा 21 भाग अम्लजान सह अति कम मात्रा रे अंगारकाम्ल मिथेन ओ ओजन गैस आर्गन गैस भली अनेक गैस थाए। ता सहित वायु रे धूलिकणा जलवाष्प इत्यादि मध्य थाए। वायु प्रदूषण आमे काहाकु कहिबा जेते बेले वायु रे अदरकारी पदार्थ मिसे तार क्षतिकारक प्रभाव उभय सजीव उपरे एवं उभय निर्जीव उपरे पड़ी थाए। एही प्रभाव को आम वायु प्रदूषण कहिबा। वायु प्रदूषण पाई वायु प्रदूषक दायी। ए वायु प्रदूषक कौन जदि वायु रे केतेक पदार्थ मिसी जीव मानक पाई ग्रहणीय हेबो नाही ताहेले ताको आम वायु प्रदूषक मध्य कहिबा। आम जेमती कि धूलिकणा धूआ कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अंगारकाम्ल सल्फर डाइऑक्साइड एमानुको आमे वायु प्रदूषक बोली कहिबा। वायु प्रदूषण रो कौन कौन कारण हेइ पारे आमे देखिबा। आमर गाँ गहली रे माटी रास्ता रे अधिक गाई गोरु जानवाहन जेतेबेले सेमाने चालू थांती से धूलि उड़ी वायु रे मिसी थाए। एटा गोटे वायु प्रदूषण गोटे कारण हेइ पारिबो। ता सहित जंगल रे निया लागिले धुआं वायु रे मिसी थाए। सेइ भळि आग्नेयगिरि उद्गिरण रु विषाक्त गैस कलकारखाना रु बाहरुथिबा गैस वायुमंडल रे मिसी थाए। मोटरसाइकल बस ट्रक आदि जानवाहन रु निर्गत हेउथिबा धुआं मध्य वायुमंडल रे मिसी थाए। चित्र रे पिला माने देखि पारुथिबो एटा होउछि आमर गोटे सहर रे बस ट्रक चलवा द्वारा वायु प्रदूषण केमती होउछि।
यही चित्र आम देखिपर गोटे आग्नेय उद्गीरण रु केमी वायु प्रदूषण होभली यही चित्र आम देखा जंगल रे निया लगुच धूआ वायु मिसिकी वायु प्रदूषण हो पेट्रोलियम रिफाइनरी अंचल रे सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड परी गैसीय पदार्थ बेसी परिमाण थाए से मध्य वायु प्रदूषण करि थाए। चित्र रे पिला माने देखि पारुथबो एटा होची आमर ओजन होल ताको आमे कहिबा ओजन रंध्र। ओजन रंध्र कौन? ओजन स्तर पृथ्वी पृष्ठ रे एक आस्तरण पर घेरी रही ओजन ढाल बोली कहा जाए। यही आस्तरण सूर्यलोक रु आसुवा अति बैगणी रश्मि अल्ट्रा भाइलेट रे शोषि नहीं थाए फल पृथ्वी पृष्ठ से पड़े ना। जदि ओजन रंध्र ओजन होल हुए ताले से अल्ट्रा भाइलेट रश्मि अति बैगणी रश्मि पृथ्वी पृष्ठ से आमर पड़ी जाता फल वायु प्रदूषण होता एवं विभिन्न चर्म रोग आक्रांत हे एमती आम बहुत रोग आक्रांत हे। आमर ओजन रे रंध्र हवा द्वारा सूर्य रश्मि पृथ्वी पृष्ठ से पड़ी थाए द्वारा अनेक लोक विभिन्न समस्या सम्मुखीन होता हेले कौन हो धीरे धीरे आमर ओजन जो अच्छी आमर जो ढाल अच्छी सूर्यालोक आसुवा अति बैगणी रश्मि को जी शोषि नहीं था जो ढाल अच्छी ताकि जी आम रंध्र होल है आमर तार समस्या आम मैंने भोगी था फल आम ओजन रंध्र करने देवा ना। ओजन केमती रंध्र हुए आमर रेफ्रिजरेटर आमर विभिन्न जो कोल्ड स्टोरेज मानक पाखर बाहर विभिन्न क्लोरोफ्लोरो गैस सीएफसी गैस से ओजन रंध्र मुख्यतः दायी। तापज शक्ति प्रकल्प रु निर्गत धूआ और कणिका वायु में मिसी वायु प्रदूषण थर्मल पावर प्लांट रु बाहर धूआ मध्य वायु प्रदूषण कर वायु प्रदूषण प्रभाव साधारणतः वायु प्रदूषण जो श्वासजनित समस्या देखा जाए आमर गाड़ी मोटर इंजिन रु बाहर डीजेल और पेट्रोल दहन हेले कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड किंवा नाइट्रोजन ऑक्साइड सृष्टि हुए से भी जो गोटे वायु प्रदूषण गोटे प्रदूषक। यदि इंधन असंपूर्ण दहन हेब ताहले कार्बन मोनोक्साइड अधिक मात्रा रे सृष्टि हुए एवं से वायु प्रदूषण कराई थाए। वायु प्रदूषण जो मनुष्य श्वासक्रिया उपरे कुप्रभाव पकाए जमीती कि आम आसु छींकू जोटा कि आम एलर्जी बोली कहू यह रक्तर अम्लजान बहन क्षमता ह्रास करि थाए। वायु प्रदूषण जो आमर रक्त अम्लजान बहन क्षमता ह्रास होता है। वायुमंडल में कुहुड़ी सह धुआं मिसी धूम कुहुड़ी बा स्मोक सृष्टि करि थाए। स्मोक कौन? जदि आमर कुहुड़ी सहित धुआं मिसी जीव ताहले धूम कुहुड़ी बा स्मोक सृष्टि होता है। प्रभाव रे मध्य अधिकांश शिशु श्वासर समस्या रूपे आस छींक आजमा पीड़ित हमती। अम्ल वर्षा बा एसिड रेन रबर शिल्प रसायन शिल्प ऑटोमोबाइल शिल्प तैल रिफाइनरी जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सृष्टि होती गैस वर्षा जल सह मिसी गंधक अम्ल और जबर जबक्षार अम्ल सृष्टि करे। यही अम्ल वर्षा जल सहित मिसी अम्ल वर्षा बा एसिड रेन सृष्टि करि थाए। आमर विभिन्न शिल्प कलकारखाना बाहर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जदि वर्षा जल सहित मिसिब ताहले से आमर सल्फ्यूरिक एसिड बा गंधक अम्ल
जवक्षार अम्ल नाइट्रिक एसिड सृष्टि कर सल्फ्यूरिक एसिड बाय नाइट्रिक एसिड जदि आम वर्षा सहित मिसिव आम एसिड रेन करवा अम्ल वर्षा चित्र देखी पार्थ अम्ल वर्षा अम्ल वर्षा जो आम कमी क्षति हो गोटे घटना विषय अनुध्यान करवा गोटे केस स्टडीज करवा अम्ल वर्षा आमपाई के क्षतिकारक पा मैंने तुम समस्ते जाच आग्रा ताजमहल अच्छी ताजमहल आमर सेवेन वंडर्स भितर जड़े आग्रा अवस्थित ताजमहल संप्रति वायु प्रदूषण प्रभाव में तहार धला मार्बल फिका पड़गला स्पष्ट होसगृह पक्का घर ऐतिहासिक सौध आदि वायु प्रदूषण प्रभाव पड़ी आमर आग्रे ताजमहल धला मार्बल एसिड रन जो पूर्वपरी तार चमक नहीं जो एसिड रेन अम्ल वर्षा बासगृह पक्का घर उपर विभिन्न ऐतिहासिक सौध व हिस्टोरिकल मनुमेंट्स प्रभाव पकाई थाए जो एसिड रेन मार्बल पत्थर को बहुत क्षतिग्रस्त कराए परिवर्तन को मार्बल कैंसर कहा जाए मार्बल कैंसर एसिड रेन जदि आमर मार्बल पत्थर को क्षति करेला फल मार्बल जदि परिवर्तन हला ताहले ताकु मार्बल कैंसर कहा जाए ए ताजमहल रो सुरक्षा उद्देश्य रे आमर सुप्रीम कोर्ट से अंचल रे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बा सीएनजी गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बा एलपीजी गैस इंधन रूपे व्यवहार करिया पई निर्देश जारी करिसंती जदि आम गाड़ी मोटर में सीसा विहीन पेट्रोल व्यवहार करवा आम यही वायु प्रदूषण आम रोकपर बर्तमान देखा सबुज कोठरी कौन सबुज कोठरी प्रभाव कौन साधारण तो सबुज कोठरी कहले आम ग्रीन हाउस को बुझी था पृथ्वी पृष्ठ को सूर्यालोक उत्तप्त करिथाए समस्ते जानिछे सूर्य और रश्मिर किसी अंश पृथ्वी द्वारा शोषित हुए एवं अवशिष्ट महाकाश को फेरी जाए यही प्रतिफलित रश्मिर किसी अंश को वायुमंडल धरी रखे फल वायुमंडल उत्ताप बढ़े सबुज कोठरी रे सूर्यर उत्ताप यह मध्य को प्रवेश करि पारे किंतु यह मध्यरु बाहरी पारे नहीं एही कोठरी रो तापमात्रा अधिक रहे यहाँ सबुज कोठरी रो प्रभाव बा ग्रीन हाउस इफेक्ट बोली कहा जाए आउ ग्रीन हाउस गैस कहले साधारणत अंगारकाम्ल मिथेन परी गैस को बुझाई थाए समस्ते जानिछे आमर सूर्य रो जेतिकी सनलाइट आसिला सूर्यालोक आसिला से पृथ्वी पृष्ठ को उत्तप्त करुछी किछि आमर पृथ्वी द्वारा शोषित होउछि किसी पुणी महाकाश को फेरी जाऊँ जो महाकाश को जो फेरी जाऊँ से किसी प्रतिफलित रश्मि से वायुमंडल ताकू धरी रखुच्छे फल वायुमंडल उत्ताप बढ़ुच्छी आमर जमी सबुज कोठरी तुम मैंने देखी थो नर्सरी मानक ग्रीन हाउस सेमती सूर्यर उत्ताप भितर जदि प्रवेश कला से भितर बाहरी पारे फल ग्रीन हाउस भितर को बस आमको टे गरम लगे तापम्रा टे ग्रीन हाउस अधिक थाए हेले आमर जो सूर्यालोक से भाई पृथ्वी पृष्ठ से फेरी पृथ्वी पृष्ठ को पड़ी से पुणी से जिते बड़े महाकाश को फेरी जाए से किसी परिमाण प्रतिफलित तो ही वायुमंडल को माने से तापमात्रा अधिक रही थाए फल आमर वायुमंडल तापमात्रा अधिक रही थाए आमर ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा दे थाए बर्तमान आम देखा विश्वतापन विश्वतापन कहले साधारणत इंग्राजी ग्लोबल वार्मिंग कह जाए पे समस्त जाच अंगारकाम्ल वायुर एक उपादान क्षीर जगत पर अंगारकाम्ल गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही कि वायुमंडल जदि अंगारकाम्ल मात्रा अधिक होबो प्रदूषक भली कम करें
ମନୁଷ୍ୟର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ନିରନ୍ତର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଜଙ୍ଗଲର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କମିଯାଉଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତେଣୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ମାତ୍ରା ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି କ୍ଷୟ ହେବ ତାହେଲେ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଗୋଟେ ଗଛ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କମାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବାରୁ ସେତିକି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କମିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାହାର ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଛି। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କ'ଣ କରେ ନା ତାପକୁ ଧରି ରଖେ, ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ତାପନ ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ବୁଝିବା, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ସେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଧରି ରଖୁଛି ବା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛି, ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମର ଗ୍ଲୋବ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଚିତ୍ର। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବା ଫଳରେ, ତାର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବା ଫଳରେ ସେ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ୱାର୍ମ ହେଉଛି, ଗରମ ହେଉଛି, ନିଆଁ ଭଳିଆ ଜଳୁଛି। ଏଇ ବିଶ୍ୱ ତାପନ ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଆମର ଜୀବଜଗତ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ବିଶ୍ୱ ତାପନ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ପତନ ବଢ଼ୁଛି, ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ, କୃଷି, ଉଦ୍ଭିଦ ତଥା ପ୍ରାଣୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ହାତରେ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ଏହା ଯଦି ଆମେ ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ 2°C ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଭୟଙ୍କର ବିପଦର କାରଣ ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ, ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆମର ବାପା ଅଜାମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ଆମର ପାଖାପାଖି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା 42°, 43°, ଏମିତି ରହୁଥିଲା କି ତାଠୁ କମ୍ ବି ରହୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 45°, 47°, ଏମିତି ରହୁଛି। ଦିନ ପରେ ଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି, ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆମର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଇଭଳି ତାପମାତ୍ରା ଆମର ଯଦି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ତାହା ଭୟଙ୍କର ବିପଦର କାରଣ ହୋଇଯିବ। ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ମାତ୍ର 0.5°C ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବେ ବିଶ୍ୱ ତାପନ ଯୋଗୁଁ ହିମାଳୟର ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ହିମସ୍ରୋତ ବା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଗ୍ଲାସିୟର, ହିମାଳୟରେ ଥିବା ଗ୍ଲାସିୟର ବା ବରଫ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ତରଳୁଅଛି। ବରଫ ତରଳିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଏଇଟା ଆମର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଏ ଯେଉଁ ବରଫ ତରଳିବା, ଏଇଟା ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବା ବିଶ୍ୱ ତାପନର ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଂକେତ। ତାହେଲେ ଏହି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଆମେ କେମିତି ରୋକିପାରିବା ବା ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଆମେ କମେଇ ପାରିବା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୀତ ଋତୁ ସମୟରେ ତମେ ଯଦି ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖୁଥିବ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଦେଖୁଥିବ, ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ୟା ଅନେକାଂଶ ପ୍ରାୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମାନଙ୍କରେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବେଶର ମାନ ହ୍ରାସ ହେଉଛି, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ନଗରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, କାହିଁକିନା ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏବଂ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ମଟରରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ସହରରେ ଭରି ରହୁଥିଲା, ସିସାବିହୀନ ପେଟ୍ରୋଲ, CNG ପରି ପରିଷ୍କାର ଇନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ
परिवेश अपेक्षाकृत निर्मल रहुछि। आमर सरकार एवं अन्य संस्था माने गोटे स्थानर वायुर गुणात्मक मान अनुध्यान पाई पदक्षेप नवा दरकार। आम लोक मानक भितरे सचेतनता बृद्धि हेबा दरकार। कोयला पेट्रोल आदि जीवाश्म ईंधन बदल रे धीरे धीरे आम सौर शक्ति जल विद्युत शक्ति और पवन शक्ति आदि आम व्यवहार करवा जहाँफल धीरे धीरे आमर प्रदूषण कमिजी। प्रत्येक स्कूल पिला मैंने तुम देखि आमर वन महोत्सव पालन कराए। वन महोत्सव पालन अवसर आम समस्ते शपथ नवा आम समस्ते शपथ नवा जे आम गच लगे गोटे गोटे गच्छ आम लगे से गचर आम जत्न नवा आम स्कूल पढ़ुवा से चार पांच वर्ष हो कि सत वर्ष पीरियड भितर से गोटे गच कि दीटा गच आम लगे तार जत्न नहीं ताकू आम बढ़ावाई चेष्टा करवा। वन महोत्सव मध्यम आम गच लगे एवं वायु प्रदूषण को आम रोकपर। गाँ गहली अनेक लोक बर्तमान पत्र को जालेणी रूपे व्यवहार करती। पत्र को जालेणी रूपे व्यवहार कले अनेकांश धूआ वायुमंडल को जाए वायु को प्रदूषण करें आम से पत्र को जालेणी रूपे व्यवहार करवा ना तो आम वायु प्रदूषण रू आम बचीपर। पाने आम जान लें वायु प्रदूषण कौन वायु प्रदूषक कौन वायु प्रदूषण कौन कौन कारण दायी वायु प्रदूषण प्रभाव कौन आम वायु प्रदूषण को कमती प्रतिकार करवा से विषय आम अल्प किसी जान लें। बर्तमान आम जल प्रदूषण विषय देखा। जल आम बचा और बढ़ापी एक मूल्यवान संपद पीवा व्यतीत आम स्नान लुगासफा बासन धुआ बगिचा कम पशुपालन रंधन चाष में यार व्यवहार आम कर जलसेचन विद्युत उत्पादन कलकारखाना तथा मछ चाष इत्यादि आमर जल निहाती जरूरी हेले जल कहीं प्रदूषित होता है। गाधला बेले लुगासफा कला बेले गाड़ी मोटर धोला बेले जल रे अन्य पदार्थ मिसी थाए फल जल रंग गंध और गुण को आम पर करदेचु। नर्दमा जल में विषाक्त रासायनिक पदार्थ मिसे जल को प्रदूषित करें आम जल प्रदूषित जल को जल प्रदूषण कही था। पाने चित्र देखु यहाँ नाल नर्दमा बाहर आमर क्षतिकारक आमर दूषित जल अन्य चित्र देखु गोटे नदी में पड़ता अलिया आवर्जना अन्य चित्र देखु आमर बेलाभूमि पड़ता अलिया आवर्जना। जल प्रदूषण मुख्य कारण है आमर दूषित आवर्जना विषाक्त रासायनिक पदार्थ एवं झरणा मानक बाहर आमर रासायनिक पदार्थ दूषित आवर्जना एगुड़ाक जल को प्रदूषित करें। तैल रिफाइनरी कागज शिल्प लुगा शिल्प चीनी कारखाना एवं रासायनिक कारखाना आदि जल को प्रदूषित करें। आर्सेनिक सीसा और फ्लोराइड मात्रा जदि अधिक परिमाण में रहिबो जल प्रदूषित हेब उद्भिद और प्राणी मानक यार विषाक्त प्रभाव पड़ब। आम चाष करवा समय कीटनाशक व्यवहार करू तृणकुमारी व्यवहार करू ये मध्य जल प्रदूषण गोटे गोटे कारण। मलत्याग पर अनेक लोक पुष्करणी जल को प्रदूषित करा जल प्रदूषण गोटे कारण। तापर उत्तप्त जल उत्तप्त जल मध्य एक प्रदूषक हो पारे कारण तापज विद्युत शक्ति केन्द्र एवं अन्य शिल्परु एही जल नदी में प्रवेश कले नदी जल प्रदूषित होता है तहार प्रभाव जीव मानक पड़े। आमर जो तापज विद्युत शक्ति केन्द्र अच्छी आमर विभिन्न शिल्प अच्छी यू आमर जो उत्तप्त जल बाहर से उत्तप्त जल जदि नदी में प्रवेश कै ताहले नदी जल प्रदूषित होता है आ नदी में रोकवा जीव मान कुप्रभाव पड़े। आम गोटे केस स्टडी घटना अनुध्यान करवा पाने समस्त जाच भारत गंगा एक प्रसिद्ध नदी लक्ष लक्ष लोक गंगा नदी उपर निर्भर करती। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर प्रकृति पर विश्वस्तरीय पांठि नामक संगठन अनुध्यान जना जा पृथ्वीर सबुठ
बेसी प्रदूषित विपदग्रस्त अवक्षय दसटी नदी मध्य गंगा नदी अन्यतम अनेक वर्ष धरी गंगा प्रदूषित होउ सहर दे बहुची सेथिरु बहु आवर्जना नर्दमा जल एवं अन्यान्य हानिकारक पदार्थ गंगा नदी में मिशुची अनेक अंचल यार प्रभाव रे बहुत जल जीव एवं प्रदूषण प्रभाव रे आउ बंची पारु नाहंती। गंगा नदी रो पुनरुद्धार आशा नहीं 1985 मसीह रे गंगा एक्शन प्लान नामर एक योजना आरंभ करागला। यार उद्देश्य और लक्ष्य गंगा नदी रो प्रदूषण मात्रा कम करिवा, किंतु धीरे धीरे क्रमवर्धनिष्णु जनसंख्या और शिल्पायन द्वारा गंगा नदी एत बेसी प्रभावित हो क्षतिग्रस्त हो तार संपूर्ण पुनरुद्धार संभावना कम अच्छी। लोक मैंने गाधेवा लुगा सफा करने तो आवर्जना फूल देवादेवी मूर्ति पलिथिन खोल इत्यादि यही नदी में फोपाड़ी था। कानपुर ठारे यही नदी जलर परिमाण तथा प्रवाहर बेग मध्य तुलनात्मक भाव कम कहीं जगार जल प्रदूषण अधिक अच्छी। अंचल 5000 अधिक शिल्प रही कानपुर अंचल सेमानों मध्य सार कारखाना डिटर्जेंट कारखाना चमड़ा शिल्प रंग प्रस्तुति कारखाना संख्या बहुत बेसी। यह शिल्पर निर्गत विषाक्त रासायनिक आवर्जना नदी जल में मिशि जाऊँगी। दूषित जल जो मृत्तिकार अम्लत्व माटी भितर रहुथिबा जीव मानक वृद्धि उपर प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण जो कौन कर प्रभाव पड़ता है दूषित जल जो मृत्तिकार अम्लत्व बढ़ी थाए आउ माटी भितर रहुथिबा जीव मानक वृद्धि उपर कुप्रभाव पड़ता है। प्रदूषित जल भूतल जल मध्य प्रवेश करथाय। आउ गोटे जिनस पिलामने देखिथिब पोखरी उपर भाग में शैवाल वृद्धि होता है आउ पोखरी को सबुज देखा जाए। यही शैवाल मानकर मृत्यु पर बैक्टीरिया मानकर खाद्य भाव में व्यवहार हुए। शैवाल बढ़िबा द्वारा अम्लजान अभाव देखा दिए फल अन्य जल जीव मान मरीजार संभावना थाए। प्रदूषित जल व्यवहार करुवा लोके हईजा टाइफएड और जंडिस आदि रोग से आक्रांत हूँ। मैंने जानी पोखरी अनेक गुड़े शैवाल वृद्धि हुए कहीं पोखरी पा मन करतु अपरिष्कार शैवाल जिते बड़े मृत्युबरण कर जितेबाला बैक्टेरिया मैंने से शैवाल को खाद्य रूप में ग्रहण करेंगे तो बैक्टेरिया मान संख्या बढ़े। शैवाल मान संख्या जितेबाला बढ़ु थाए से आम पानी अम्लजान अभाव देखा दिए। पानी अम्लजान अभाव देखा दे जल जीव मान भी मरीजार संभावना थाए। ये साधारणतः उपर श्रेणी तुम पढ़ी पार अलगाल ब्लूम कह जाए। हेले आमे जल को केमती शोधन करवा तार विभिन्न उपाय अच्छी। नदी को प्रदूषित जल छाड़ा पूर्व जल परिशोधन करवा उचित। जल छणा जंत्र बा फिल्टर रे परिश्रवण प्रणाली द्वारा जल विशोधन करा उचित। पानी को फुटाई थंडा करी पानी पीवा उचित। गृह जल जोगाण पूर्व म्युनिसिपालिटी द्वारा भौतिक एवं रासायनिक पद्धति यार विशोधन करवा उचित। जमीक क्लोरीन बटिका क्लोरीनेशन प्रणाली ब्लीचिंग पाउडर आम व्यवहार करने दरकार। प्रत्येक शिल्पांचल जल विशोधन प्रकल्प प्रतिष्ठा करने उचित। शिल्पानुष्ठान द्वारा आईन कड़ाकड़ी प्रयोग करवा उचित। गाधुआ घर बाहर पानी को आम बगिचार व्यवहार करवा तुम विद्यालय बाहर जल को आम विद्यालय बगिचा बा गार्डन आम व्यवहार करवा। साधारणत तो आमर जल जो प्रदूषण होमें कमी रोकपर आम साधारणत तो ये जल प्रदूषण रखापी आमर तीनोटी मूल मंत्र थ्री आर आर फॉर रिड्यूस आम कम जल व्यवहार करवा। आर फॉर रीयूज आम जल को पुनः केमती व्यवहार करवा। आर फॉर रिसाइकल आम
କେମିତି ପୁନଃଚକ୍ରଣ ହିସାବରେ ଆମେ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତାମାନେ ଆମେ ଏଇ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, କେମିତି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ, କେମିତି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ, କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ, ଆମେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ବିଶ୍ୱ ତାପନ କ'ଣ, ଗ୍ରୀନ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ, ଓଜନ ରନ୍ଧ୍ର କ'ଣ, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଗଙ୍ଗାର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତା ସହିତ ଆମେ ତାଜମହଲ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କେମିତି ରୋକିପାରିବା ତା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମର କିଛି ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ହେଇଥିବ, ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ବାୟୁରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଥାଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ହାଇସ୍କୁଲ ରେଜ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ହାଇସ୍କୁଲ ବାୟୁରେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଥାଏ? 78% 78%। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 78। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଡେସ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ, କେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ? ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଟେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ ରକ୍ତର ଡେସ୍ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରେ, ଚାପ୍ଟର 6। କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ ରକ୍ତର ଡେସ୍ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରେ, ଚାପ୍ଟର 6। ଅମ୍ଳଜାନ ବହନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ ରକ୍ତର ଅମ୍ଳଜାନ ବହନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରେ। ପୁଡ଼ି ଓ ଧୂଆଁ ମିଶି ଡେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସ୍ମୋଗ କରନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲ? ଧୂମକୁହୁଡ଼ି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ତାକୁ ଧୂମ କୁହୁଡ଼ି କହିବା, ଇଂରାଜୀରେ ଆମକୁ ତାକୁ ସ୍ମୋକ୍ କହିବା। କୁହୁଡ଼ି ଆଉ ଧୂଆଁ ମିଶି ସ୍ମୋକ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଓଜନ ସ୍ତର ଡେସ୍ ରଶ୍ମିକୁ ଶୋଷି ନିଏ, ଓଜନ ସ୍ତର ଡେସ୍ ରଶ୍ମିକୁ ଶୋଷି ନିଏ। ଓଜନ ସ୍ତର ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ବା ୟୁଭି ରଶ୍ମିକୁ ଶୋଷି ନିଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରଦୂଷଣ ଦେଶ ଠାରେ ବେଶୀ ହୋଇଛି, କାନପୁର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପ୍ରଦୂଷଣ କାନପୁର ସହର ଠାରେ ବେଶୀ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା, ତମେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ କରିକି ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବିବରଣୀ ତମେ ଦେବ। ତମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଦୂଷିତ ନଦୀ, ଯେମିତିକି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଯାଇଛି, ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଦୂଷିତ ନଦୀ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତମେ ବିବରଣୀ ଲେଖିବ। ସେହିଭଳି ଆମର ଇବ୍ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହର ଦେଇ ଯାଇଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦୂଷିତ ନଦୀ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଏବଂ ତମେ ବିବରଣୀ ଲେଖି ତମେ ତମ ସାଇନ୍ସ ଟିଚରଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତମେ ଦେଖେଇବ।
ମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ତାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ପଚାରିପାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।